हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मुकेश शर्मा, आप सभी के लिए न्यू ऑटोमोटिव वीडियोस लेके आता रहता हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ 2021 मर्सिडीज एस क्लास फेसलिफ्ट वेरिएंट के बारे में। फ्रेंड्स, जिसका इंटीरियर और जो एक्सटीरियर है वो प्रॉपरली लीक हो गया है। फ्रेंड, मैं बात करने वाला हूँ मर्सिडीज की W223 मर्सिडीज एस क्लास के बारे में, जो फ्रेंड फर्स्ट टाइम जो है वो चाइना के अंदर स्पॉटेड हो गई है। फ्रेंड, जो कार है वो ब्रांड की फ्लैगशिप लग्जरी कार है, और फ्रेंड जो कार है वो बेस्ट कार इन द वर्ल्ड के नाम से भी देखने को मिलेगी। फ्रेंड, मैं बात करने वाला हूँ कि सिर्फ किस तरह के फीचर्स देखने को मिलते हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर में हमें किस तरह की देखने को मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड, सबसे फर्स्ट अगर मैं इसके फ्रंट प्रोफाइल के बारे में बात करूँ, तो फ्रेंड इसके अंदर हमें शार्प और स्लीकर हेडलैम्प्स देखने को मिलेंगे, और फ्रेंड जो फ्रंट ग्रिल है वो हमें लार्जर इंटीग्रेटिंग ऑटोनोमस ड्राइविंग टेक्नोलॉजी के साथ देखने को मिलती है। फ्रेंड, अगर मैं इसके रियर प्रोफाइल के बारे में बात करूँ, तो फ्रेंड जो मर्सिडीज की जो CLS जैसा ही सिमिलर रियर प्रोफाइल हमें देखने को मिलेगा। और फ्रेंड, अगर मैं इसके इंटीरियर के बारे में बात करूँ, तो फ्रेंड जो इंटीरियर है वो हमें टोटली चेंजेड देखने को मिलता है, मतलब जो इंटीरियर है वो हमें अपडेटेड देखने को मिलेगा और एक फ्यूचरिस्टिक लुक के साथ जो है वो देखने को मिलता है। फ्रेंड, इसके अंदर में जो बटन्स है वो काफ़ी कम देखने को मिलते हैं, और फ्रेंड जो डैशबोर्ड है वो हमें क्लटर फ्री देखने को मिलता है। फ्रेंड, अगर मैं इसके स्टीयरिंग व्हील के बारे में बात करूँ, तो फ्रेंड इसके अंदर में न्यू स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलेगा, जो मर्सिडीज की जो ई क्लास फेसलिफ्ट वेरिएंट है उसी तरह का जो स्टीयरिंग व्हील है वो हमें देखने को मिलेगा। और फ्रेंड, इसके अंदर में वाइड ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है जो स्टीयरिंग व्हील के पीछे, और इसके पैनल में हमें हेड अप डिस्प्ले देखने को मिलेगा। और फ्रेंड, इसके अंदर में जायंट 16 इंच का टच इन्फोमेंट सिस्टम भी देखने को मिलता है, जिसके अंदर हमें लेटेस्ट एमबुक्स इन्फोमेंट सिस्टम टेक्नोलॉजी है वो देखने को मिलेगी। और फ्रेंड, जो इसका सेंटर डैशबोर्ड है फ्रेंड वो हमें वाइड प्लेन हाई ग्लोस पैनल के साथ देखने को मिलेगा। फ्रेंड, इसके अंदर हमें 4 हॉरिजॉन्टली स्टैक एसी वेंट्स देखने को मिलेंगे, और 2 वर्टिकली स्टैक्ड वेंट्स हमें आइदर साइड्स में देखने को मिलेंगे। फ्रेंड, अगर मैं इसके रियर इंटीरियर के बारे में बात करूँ, तो फ्रेंड इसके रियर में भी हमें एंटरटेनमेंट पैकेज स्क्रीन देखने को मिलती है, सेंटर में हमें आर्म रेस्ट इंटीग्रेट्स के साथ इन्फोरमेंट कंट्रोल सिस्टम्स देखने को मिलेंगे। फ्रेंड, जो मर्सिडीज की फ्रेंड जो कार है वो हमें पेट्रोल एंड डीजल दोनों इंजन ऑप्शंस में देखने को मिलेगी। फ्रेंड, इसके अंदर में प्लग इन हाइब्रिड पावर ट्रेन ऑप्शन है वो भी देखने को मिल सकता है। फ्रेंड, अगर मैं इसके इंडियन लॉन्च के बारे में बात करूँ, तो फ्रेंड इंडिया के अंदर हमें ये 2021 में देखने को मिलेगी। फ्रेंड, अगर मैं इसके राइवल्स के बारे में बात करूँ, तो फ्रेंड इंडिया के अंदर इसकी ऑडी A8 और BMW की 7 सीरीज जो है वो राइवल होने वाली है। फ्रेंड, आज के लिए इतना है। फ्रेंड, और भी अगर आपको हमारे इसी तरह से न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ या फिर ऑटो न्यूज़ के बारे में जानना हो, तो फ्रेंड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाले हर नोटिफिकेशन की अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिले। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।